इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस तरह के डेटा को इस तरह के डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक सेल्स रजिस्टर है, ऐसे आपके पास सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, जो भी रिपोर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इस तरह से हमारा डेटा मेंटेन होता है। मतलब यहाँ पर देखिए, ये एक सेल्स रिपोर्ट है, यहाँ पर डेट, इनवाइस, पार्टी नेम और हमारी जो अमाउंट होती है वो टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन होती है। ये मोस्टली टैली या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है उसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0% टैक्सेबल है, यहाँ पर 5% उसका IGST, CGST, SGST, यहाँ पर 12% उसका IGST, CGST, SGST, यहाँ पर 18। मतलब ये टैक्स रेट वाइज यहाँ पर बाइफरकेशन है। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करना है या फिर कहाँ पर अपलोड करना है तो इस तरह से लगेगा। मतलब इनवॉइस नंबर और उसमें जितने भी टैक्स रेट है उसका बाइफरकेशन। तो अभी हम देखेंगे कि इस तरह के डेटा को इस तरह के डेटा में कैसे कन्वर्ट करना है, और वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से। अभी ये जो प्रैक्टिस फाइल है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके जो स्टेप है वो यहाँ पर इंडेक्स में लिखे हुए है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 है, आपको ये जो सीरियल नंबर है, मतलब यहाँ पर जो सेल्स रजिस्टर है उसको यहाँ पर सीरियल नंबर को देना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इन दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, आपको यहाँ तक मतलब अमाउंट के पहले का डेटा जो भी आपको चाहिए उसको कॉपी करना है। शिफ्ट F11, एक नया वर्कशीट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर टैक्स रेट, और ये जो है वो हम सबसे पहले 0% को लेंगे, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, यहाँ पर कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। तो ये 0% है, अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये 5%, इसको भी सेम यहाँ पर पूरा पेस्ट करेंगे, दोबारा कॉपी कर देता हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो है वो 12%, कॉपी पेस्ट, उसके बाद इसको कॉपी, और ये जो है वो 18%। अभी हमारे पास 4 ही है, आपके पास और ज्यादा है मतलब 28 भी है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद इस हेडिंग को हटाना है, यहां पर मैं दोबारा हेडिंग को कॉपी कर देता हूं, यहां पर टैक्सेबल IGST CGST SGST टैक्सेबल। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट एल मतलब फिल्टर। उसके बाद इस हेडिंग के नीचे के रो को सिलेक्ट करता हूँ, व्यू टैब, यहाँ पर प्रिस्पेंस, प्रिस्पेंस मतलब हेडिंग हमें शो होती रहेगी। अभी मैं सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ और यहाँ पर हमें वैल्यू कप लगाना है सीरियल नंबर के बेस पर। तो कॉलम इंडेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 2, और इसको सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करता हूँ, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर ओनली 0%, इनको फिल्टर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू वी एल वी लुकअप टैप प्रेस करता हूँ, लुकअप वैल्यू में मैं सीरियल नंबर कॉमा, यहाँ पर टेबल एरे, तो टेबल एरे में मैं सेल्स रजिस्टर में जाता हूँ और यहाँ पर सीरियल नंबर से मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, सीरियल नंबर से सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले 0% है, तो यहाँ पर 0% तक मतलब कॉलम नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 5, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, इसको मैं डिलीट करूंगा क्योंकि यहाँ का रिजल्ट वहां पर आएगा, तो 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर टैक्सेबल आ चुका है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अभी ये फिल्टर डेटा है, तो फिल्टर डेटा में पेस्ट करते वक्त ऑल्ट सेमीकोलन को प्रेस करना है, कंट्रोल वी, तो यहाँ पर 0% आ चुका है, इसमें कोई भी IGST CGST SGST नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं 5% को सिलेक्ट करता हूँ, इज इक्वल टू वी एल वी लुकअप टैप प्रेस करता हूँ, लुकअप वैल्यू में सीरियल नंबर कॉमा, टेबल आ रहे यहाँ पर, यहाँ पर जाता हूँ,
5% का टैक्सेबल, यहाँ पर 6 कॉलम में IGST, CGST, SGST, F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 6, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी यहाँ पर F2 प्रेस करके मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला बार से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी फॉर्मूला बार में पेस्ट करना है, वरना ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कॉलम नंबर 7, क्योंकि IGST 7 में है, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर कॉलम नंबर 8, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कॉलम नंबर 9, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, ऑल्ट सेमीकोलन, कंट्रोल वी। तो अभी यहाँ पर 5% हो चुका है, अभी 12%, ओके, इज इक्वल टू VL, वी लुकअप, टैब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 12% 10 में है, तो यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर देता हूँ F4, कॉमा 10, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर जो है वो 11, 12, उसके बाद 13, अभी इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, उसके बाद मैं यहाँ पर 18% को सिलेक्ट करता हूँ, अभी यहां पर मैं सब टोटल लगाता हूं, इज इक्वल टू सब टोटल, टैब, सम के लिए 9, कॉमा रेंज को सिलेक्ट कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल स्पेस करके इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूं, होम टैब, यहां पर कॉमा लगाता हूं और डेसिमल को मैं हटा देता हूं। अभी क्रॉस चेक करते हैं, तो यहां पर टैक्सेबल कितनी है, 2378182, और यहाँ पर कितनी है, 0%, 5%, 12%, और यहाँ पर 18%, 2378182, यहाँ पर CGST कितना है, यहाँ पर कोई भी IGST नहीं है, क्योंकि ये सारा लोकल सेल्स है, तो CGST है 119265, यहाँ पर कितना है, 119265, मतलब हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है। अभी मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी फॉर वैल्यू, इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं टैक्सेबल में फिल्टर करता हूँ और यहाँ पर 0 सिलेक्ट करूँगा, ओके। अभी यहाँ पर जो है वो कोई भी अमाउंट नहीं है, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट स्पेस, ऑल्ट सेमीकोलन, कंट्रोल माइनस, मतलब इसको डिलीट कर दूंगा। सारे फिल्टर को हटाने के लिए ऑल्ट ए सी, इसको 1x1 प्रेस करना है। अभी यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है वो ऊपर नीचे है, तो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर होम टैब, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट, यहाँ पर माय डेटा हैजर्डस, ये ऑलरेडी चेक रहेगा, अगर नहीं है तो आपको करना है। यहाँ पर सॉर्ट बाय में मैं सीरियल नंबर को लेता हूँ, ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसके बाद ओके। तो अभी यहाँ पर सीरियल नंबर वाइज बाइफरकेशन हो चुका है, मतलब एक इनवॉइस नंबर एक साथ आया है, उसके बाद उसका 0%, 5%, 12%, 18%, और यहाँ पर टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST, यहाँ पर इनवॉइस नंबर 2, यहाँ पर दो ही टैक्स रेट है, 12 और 18। तो यहाँ पर आपको जैसा चाहिए वैसा डेटा आ चुका है, मतलब टैक्स रेट वाइज बाइफरकेशन। अभी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंबाइंड डेटा चाहिए, मतलब एक इनवॉइस का एक ही रो में आना चाहिए, ये जो टैक्स रेट है इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ये अभी सिंपल है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर पिवट टेबल, ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके नीचे डेट। अभी मैं डिजाइन टैब में जाता हूँ और ये जो है इसको मैं टेबुलर करता हूँ, मतलब टेबुलर, मतलब ये अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। कभी कभी ये जो डेट है वो ग्रुप हो जाती है, मतलब आपको ईयर, मंथ इस तरह से शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अनग्रुप, तो यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, उसके बाद इनवॉइस नंबर, वो भी रो में आ जाएगा, पार्टी नेम। टैक्स रेट की जरूरत नहीं है, टैक्सेबल को हम यहाँ पर वैल्यू में डालेंगे, IGST, CGST, SGST, इसको हम वैल्यू में डालेंगे। अभी यहाँ पर टोटल आ जाएगी, तो मैं डिजाइन में जाता हूँ, सब टोटल, डू नॉट शो सब टोटल,
तो यहाँ पर देखिए डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, टैक्सेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, वी फॉर वैल्यू, एंटर। डेट को फॉर्मेट करने के लिए पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट डेट। तो इस तरह के डेटा से आप ये डेटा भी बना सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस फाइल है और हमारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे जो सारे ग्रुप है उनको ज्वाइन कीजिए।